दो सेकंड में मेरा माइक बंद होता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि डेमोक्रेटिक मेथड्स और डेमोक्रेसी के तहत ये लोग चलना नहीं चाहते, संविधान को बचाना नहीं चाहते और डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत चलना नहीं चाहते। तो इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात भी हम वहां पर बताएं, जो वहां पर सरकारी मुझे कहां से वहां पर वेपन आ रहे, मुझे हमारे ललन सिंह साहब ने बताया कि जो वहां पर हजारों वेपन्स आ रहे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे, कहां से आ रहे, वो सब प्राइवेट लोगों के पास है। और जब दो कम्युनिटी, मैथी कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है, इसको शांति के साथ रखना है तो प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए, अब तक वहां नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे चले जाएंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। और पार्लियामेंट में ये नया नहीं है, 267 या एडजमेंट मोशन, ये हमेशा पहले देते गए हैं हमारे पास। मैं पढ़ के बता सकता हूं, लेकिन समय की अभाव से मैं नहीं कहूंगा। 13-13, 14-14 ऐसे उदाहरण है जिसमें 267 को परमिशन दिया गया है, सारा बिजनेस स्टॉप करके डिस्कशन लिया गया है। इवन एडजमेंट मोशन को भी ऐसा ही डिस्कशन के लिए अलाउ किया गया, लेकिन ये सरकार ना डिस्कशन को अलाउ कर रही, ना किसी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ये एक। दूसरी चीज, हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आंखों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है,